फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको बहुत सारे तुलसी के पेड़ उगाने का तरीका। ये देखिए, तो इसका ये जो ऊपर का पार्ट है, जब आप बगीचे में डाल देंगे तो इससे आपके बहुत सारे तुलसी के पौधे उग जाएंगे, खूब सारे। और मैंने भी उगाए हैं, चलिए मैं आपको पीछे अपने गमले में दिखा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस बारिश के मौसम में जल्दी जल्दी पेड़ कैसे उगा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी दो चार पेड़ उगाए हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगी। क्योंकि बारिश के मौसम में कोई भी पेड़ बहुत आसानी से उग जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके घर के पेड़ सूख जाते हैं या जल्दी नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोग बारिश के मौसम में ही अपने घर में पेड़ लगाएं तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बीज डाले थे और कैसे कैसे वो पेड़ कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। घर में पेड़ ना हो तो घर बिल्कुल सूना लगता है। कितना भी अच्छा, कितना भी आप सुंदर सा घर बना लीजिए, लेकिन अगर उसमें पेड़ नहीं होंगे, गमले नहीं होंगे ग्रीन ग्रीन, तो वो घर बिल्कुल सूना लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में पेड़ ज़रूर लगाएं, और गमलों में जितने भी अच्छे पेड़ आ सकते हैं, जैसे तुलसी के हैं, फ्लावर्स के हैं, गुड़हल के पेड़ है, तो वो सब आप अच्छे से अपने गमले में लगाइए। और फूल भी मिलेंगे आपको, और बहुत से पेड़ तो बहुत फ़ायदेमंद है, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलिए, चलती हूँ मैं अपनी गैलरी में और आपको दिखाती हूँ कि मैंने मतलब कितना ग्रो किया। वो मैंने बारिश के मौसम में ही किया है, एकदम से वो पेड़ बहुत जल्दी ग्रो हो गए हैं। तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं मेरी गैलरी के पेड़, और ये जब बारिश नहीं आई थी तब ये पेड़ छोटे छोटे थे, और बारिश आने के बाद ये पेड़ बहुत घने हो गए। ये सारे पेड़ तुलसी के हैं। तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, और करीब करीब भारत के सभी घरों में तुलसी का पेड़ पाया जाता है। लेकिन किसी किसी के ऐसा होता है कि पेड़ नहीं उग पाता है, और जैसे कहीं से एक दो पेड़ ले भी आए तो वो सूख जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आइडिया जिससे आपके पेड़ ऑलवेज़ बने रहेंगे, बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर भी आपके पेड़ बने रहेंगे। उसके लिए मैं अभी बताती हूँ आपको एक आइडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो गमला जिसमें मैंने तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है, जो छोटे छोटे से मंजरी उग जाती है ब्राउन कलर की, तो वो मैंने इस गमले में डाल दी थी, खाली गमले में, जब बारिश आने से थोड़ा सा पहले। तो अभी 15-20 दिन हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर एक नया तुलसी का पौधा आ गया है। देखिए, और छोटे छोटे और भी उग रहे हैं। तो अगर आप भी अपने घर में तुलसी को परमानेंट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही किया करिए। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो भी ये मंजरी उगी हुई है, ये इसे आप अपने बगीचे में या गमले में कहीं भी तोड़ के डाल दीजिए, तो अभी बारिश के मौसम में बहुत सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे, और फिर वो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में उगाएंगे। और आपको जो तुलसी का पेड़ नहीं उग रहा या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश भी होने वाली है। वो आदित्य खड़े हैं, हाय करो।